हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि LHAP यानी सिक को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसमें सिक आपकी कितनी काटी जाएंगी यदि आप 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते, कितने भी दिन आप सिक पर रहते हैं, जिसको हम LHAP भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल CP ज्ञान में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सिक, जिसको हम LHAP भी बोलते हैं, लीव हाफ एवरेज पे, जब कोई कर्मचारी रेलवे अस्पताल में भर्ती होता है बीमार होकर, और इसके बाद उसको एक सिक मेमो दिया जाता है, इसके बाद एक फिट मेमो दिया जाता है। तो कर्मचारी को जितने दिन रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती रहा है उतने दिन की LHAP भरना आवश्यक होता है, यदि उसके पास बैलेंस है तो, वरना आपकी पेमेंट काट दी जाती है। तो जानते हैं, सबसे पहले तो जानते हैं कि किस तरीके से लीव मैनेजमेंट में हम अपनी LHAP को अप्लाई करेंगे। इसके बाद LHAP को अप्लाई करने के लिए हमें अपने HRMS में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने का प्रोसेस मैंने कई वीडियो में बताया है, तो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर आप आएंगे, और इसके बाद न्यू लीव एप्लीकेशन ये जो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, इस पर हमें अपनी लीव को अप्लाई करना है। इस लीव को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लीव वन नेचर ऑफ लीव, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर देखिए लिखा हुआ है लीव ऑन हाफ एवरेज पे LHAP, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास जितना भी करंट बैलेंस होगा वह आपका यहाँ पर करंट लीव बैलेंस दिखाई देने लगा है, जैसे कि इसमें 196 डे दिख रहा है जो कि अभी सही नहीं है, कभी चेंज भी हो सकता है। इसके बाद जो आपको डेट चाहिए ये बैक डेट की ही भरी जाती है, क्योंकि आप फिट जब होंगे तभी आप इस पर LHAP भर पाएंगे। तो जैसे इसमें मैं भरता हूँ 7 से लेकर और 12 तारीख तक या 11 तारीख तक कोई भी। अब इसमें देखिए यहाँ पर इस 7 से 11 तक 5 दिन आपकी छुट्टी हो गई, आपके पास 196 छुट्टी बैलेंस है और 5 दिन की छुट्टी आपने भरी है। इसमें हेडक्वार्टर लीव एप्लीकेशन, हेडक्वार्टर परमिशन तो होती नहीं है क्योंकि आप हॉस्पिटल में भर्ती थे। आप इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी आपका रीज़न है, आई एम वेरी इल, यानी मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती था। अब आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो सिक और फिट का मेमो दिया गया था उसका PDF बनाकर इस पर अपलोड करना है, और उस PDF बनाने के बाद उसमें जो सीरियल नंबर रहता है आपका फिट और सिक में, इसके बाद जो ए नंबर से शुरू होता है उसको आपको इसमें ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड इसमें लिखना है कि माई सिक एंड फिट सीरियल नंबर, ये बस आपको यहाँ पर जो भी आपका नंबर हो वह आपको इसको नंबर दे देंगे और यहाँ पर वो लिख देंगे। इसके बाद आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, आपके जो ऑफिसर होंगे जिनको आप फॉरवर्ड करते हैं सारी छुट्टियाँ LAPCL या जो भी करते हैं उन्हीं को आपको फॉरवर्ड करनी है। इसके बाद यदि आपकी 5 दिन की है तो वही ऑफिसर सेंक्शन कर सकते हैं, यदि आपकी लीव 14 दिन से ज़्यादा है तो जिन ऑफिसर को आपने दिया है, जो आपके इंचार्ज वगैरह हैं, वह आपसे ए ग्रेड के ऑफिसर को सेंक्शन के लिए फॉरवर्ड करेंगे। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, जैसे किसी कर्मचारी ने यहाँ पर 7 से लेके 8 11 तारीख तक छुट्टी अप्लाई करी है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 दिन दिख रहा है, लेकिन आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके यहाँ पर 5 दिन नहीं काटे जाएंगे क्योंकि यह लीव ऑन हाफ एवरेज पे होता है। जैसे ही आपकी यह छुट्टी सेंक्शन होगी तो यहाँ पर 196 है, तो 5 दिन की छुट्टी कोई भरता है तो यहाँ पर 10 दिन की लीव आपकी काटी जाएगी। यहाँ पे दिख 5 दिन रहा है, लेकिन जब आपके पूरा छुट्टी सेंक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो लीव पीरियड है उससे डबल काटा जाएगा। ऐसा पहले भी होता था और इसमें भी हो रहा, लेकिन जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तब आपको यह चीज दिखाई नहीं देगी। आपके जितने दिन की भर रहे हैं, दिन जो दिन होते हैं उतने ही दिन की, 5 दिन 6 दिन 10 दिन आपकी जो आपके केस में जो भी है वही आपको इसमें दिखेंगे, लेकिन जब आपकी स्लीप सेंक्शन होगी तो आपके उससे डबल दिन यहां से कट हो जाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखें इस बात को, और यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पर सबमिट करके आप अपने ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, यदि जानकारी पसंद आई है
तो लोगों के साथ शेयर करें, और यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।